हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ चंदू। आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण चैप्टर रे आलोकश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस कहा को कहा जाए ता विषय आज आम पढ़ा। पूर्व क्लास रे आम पोषण प्रकारभेद विषय पढ़ी। जदि भी से तुम मानक किसी डाउट अच्छी कमेंट बक्स जाए तुम्हें तुम डाउट को लेख। मुश्चित भाव तुम डाउट को परवर्त क्लास सल्व करी। एथसहित आपण मानक अनुरोध आपण मैंने आज आम वीडियो को संपूर्ण भाव देखु। जदि वीडियोटी भल लगे तबे एहा को लाइक करूँ एवं हाँ आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना। एवं तुम सांग जो मैंने दशम श्रेणी पढ़ुंट तुम सांग तुम्हें आम वीडियो को शेयर करूँ फिर आम को एक मोटिवेशन मिल। तेब आसन देखा आज टॉपिक आलोकश्लेषण व फोटोसिंथेसिस क्या कहा जाए। कौन देखी पूर्व परिच्छेद दर्शाई जे सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण प्रक्रिया स्वतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करते। तो मुझे मोर पूर्व क्लास पढ़े आलोकश्लेषण प्रक्रिया क्या कहुए। तो आलोकश्लेषण प्रक्रिया क्या कहुए तुम्हें मैंने कौन कह। सबुज उद्भिद सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग कर जल और अंगारकाम स्वतसार जातीय शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करें जहाँ को आम आलोकश्लेषण प्रक्रिया कही था जहाँ को मुझे पूर्व क्लास पढ़े। तो कौन देखिए आस देखा यही श्वेतसार जातीय खाद्य जीवजगतर सबु जीवों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष खाद्य अटे। तो उद्भिद जो खाद्य प्रस्तुत करे से ही खाद्य समस्त जीवजगत पर कौन प्रत्यक्ष भाव एवं परोक्ष भाव कौन अटे खाद्य अटे। तो आपण मान क्वेश्चन आसीपे जो प्रत्यक्ष कौन एवं परोक्ष कौन। तो प्रत्यक्ष मानने आम मैंने कौन से जिनस को डायरेक्ट खाइबा ता प्रत्यक्ष। परोक्ष कौन आम मैंने कौन सी खाद्य को उद्भिदजात कौन सी खाद्य को क्या जरिया खाइबा ता परोक्ष भाव। तो बुझिपारे प्रत्यक्ष कौन परोक्ष कौन। तो साधारणत तो जीवजगत मैंने उद्भिदजात खाद्य उपर निर्भर करती। उद्भिद एक स्वभोजी अटे जी कि निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें कहीं गच्छ को बा उद्भिद को खाद्य प्रस्तुति में किए साय तार पत्र साए जहाँ को आम आम पूर्व क्लास पढ़ी। ओके आलोकश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सबुज उद्भिद सबुज कणा बा क्लोरोफिल माध्यम रे दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति में रूपांतरित करने सहित परिवेश ग्रहण करथिबा अंगारकाम्ल और जल को उपयोग कर शर्करा जातीय खाद्य तैयारी करथाय। तो आपण माने बुझिपारे। तो मु कौन कही सबुज उद्भिद ता पत्र साहाज्य खाद्य प्रस्तुत करें। पत्र कौन थाए सबुज कणा बा क्लोरोफिल रही थाए ताम से कौन करे सूर्यर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति में रूपांतरित करें। कौन करें क्लोरोफिल कौन करें सूर्यकर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति में रूपांतरित कौन करे एवं परिवेशर क्या अंगारकाम्ल और जल को उपयोग कर शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करें। एवं बुझिपारे आलोक शोषण प्रक्रिया क्या कहुए। जदि भी किसी डाउट आसूसी कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखतु मुँ तुम डाउट को सॉल्व करी। एवं आसतु देखा आधार और संस्था। तबे आसतु प्रत्येक प्रक्रियापी एक आधार और संस्था दरकार। तो प्रत्येक प्रक्रिया हेपाई आधार आ संस्था दरकार। तबे आधार कौन आ संस्था कौन आसतु से विषय आम बुझा। जेपरी आम रोसई घर हो आधार एवं चूली हांडी करई आदि हेउची संस्था। तो आमर आधार किए आधार हेउची आमर रोसई घर। आमर रोसई घर हूँ कौन आधार आउ कौन चूली हांडी कड़ई इत्यादि हूँ कौन संस्था। एवं बुझिपारे आधार कौन संस्था कौन। तो से ही भाव में सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण व्यवहूत आधार साधारणतः सबुज पत्र अटे। तो सबुज उद्भिद आम आधार बोली क्या कह आम आधार बोली सबुज पत्र को कह जी आलोकश्लेषण प्रक्रिय साय कर सबुज पत्र पृष्ठ से छोट छोट रंध्र थाए। तो जो बड़े ये गोटे पत्र थी ये गोटे पत्र मन कर ये पत्र मध्य छोट छोट रंध्र थी बुझिपारे ये पत्र मध्य कौन थी छोट छोट रंध्र थाए एगुड़ी स्टोम बा स्टोमाटा बोली कह जाए। तो आपण मानक एग्जाम जब क्वेश्चन आसे जो सबुज पत्र छोट छोट रंध्र को कौन कह जाए तुम्हें मैंने कौन कह स्टोम बा स्टोमाटा बोली कहुए बुझिपारे। यही स्टोम दे परिवेश और पत्र मध्य अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर विनिमय घटे।
तो कहा साहाज्यरे पत्र रे अंगारकामला जलीय बाष्पर विनिमय घटे तुम मैंने उत्तर कौन लिखिब स्टोम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु पत्र मध्य जल आ जलीय बाष्प आ अंगारकामलार विनिमय क्या साहाज्य घटी थाए पत्र स्टोम मध्यम घटी थाए बुझिपारे। सबुज पत्र अंतगठन सबुज रंगयुक्त पालिसेड और स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू द्वारा होता है। तो सबुज पत्र जो आमर अच्छी क्योंथे गठित होता है पारेनकाइमा टिश्यू द्वारा गठित होता है जहाँकि आम आग को तार चित्र देखा बुझिपारे। पत्र भितर यही दुई प्रकार पारेनकाइमा टिश्यूर कोष भितर क्लोरोप्लास्ट नामक अंगिका रही है। तो पत्र भितर दुई प्रकार पारेनकाइमा टिश्यू थाए कौन कौन थाए गोटे हूँ स्पंजी आ गोटे हूँ पालिसेड। तो ये दुई प्रकार जो थाए कौन पारेनकाइमा टिश्यू ताध कौन रही है क्लोरोप्लास्ट नामक एक अंगिका रही है बुझिपारे। क्लोरोप्लास्ट थिबा रस को स्ट्रोमा कहुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक मार्क क्वेश्चन देखा को मिल पाए क्लोरोप्लास्ट थिबा रस को कौन बोली कहा था स्ट्रोमा बोली कहा जाए था। तो आउ गोटे क्वेश्चन आसी पारे जे क्लोरोप्लास्ट रे केउ केउ जो पारेनकाइमा टिश्यू रे कौन रही था तुम्हें मैंने कौन लिखिबो क्लोरोप्लास्ट अंगिका रही था। ओके बुझिपारिल क्लोरोप्लास्ट थिबा रस को कौन कहा जाए स्ट्रोमा बोली कहा जाए ये रस को स्ट्रोमा बोली कहा जाए। यही रस रे विभिन्न संत्वरक बा एंजाइम और पोषक थाए। तो जो स्ट्रोमा अच्छी ताध कौन थाए संत्वरक थाए एंजाइम थाए और पोषक थाए जार चित्र को आम आग को पढ़ा। ओके स्ट्रोमा रस रे केतेक उपादान भासमान अवस्था रही थाए। तो स्ट्रोमा मध्ये कौन होता है केते गुड़िया उपादान भासमान अवस्था रही थाए। स्ट्रोमा क्या कहा जाए ये आपने देखिले स्ट्रोमा क्या कहा जाए ये देखु स्ट्रोमा क्या कहा जाए था क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को स्ट्रोमा बोली कहा जाए था। स्ट्रोमा रे कौन रही थाए विभिन्न संत्वरक एंजाइम आ पोषक रही थाए बुझिपारे। स्ट्रोमा रे कौन होता है केतेक उपादान भासमान अवस्था रही थाए। एथिमध्ये रे अधिक परिमाण रे थिबा गठन रे एकक द्विस्तरीय झिल्ली सदृश थाइल एक अटे। तो यह मध्ये सबुठ अधिक परिमाण रे कौन देखा जाए थाए द्विस्तरीय झिल्ली विशिष्ट थाइल कयर अधिक मात्रा रे देखा जाए थाए। तो स्ट्रोमा मध्य कौन अधिक भासमान अवस्था देखा जाए थाए थाइल कयर देखा जाए थाए। तो स्ट्रोमा क्या कहा जाए क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को स्ट्रोमा बोली कहा जाए थाए बुझिपारे। थाइलकॉयड रे दीर्घ सरु चेपटा थली सदृश। तो थाइलकॉयड किभली दीर्घ सरु आ चेपटा थली सदृश थलीर भितर स्थान को कौन बोली कहा जाए थे ल्यूमेन बोली कहा जाए थे। तो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीब थाइलकॉयड बा थाइलकॉयड रो भितर स्थान को कौन बोली कहा जाए थे तो मैंने कौन कह ल्यूमेन बोली कहा जाए थे बुझिपारे। केतेक स्थान रे छोट थाइलकॉयड थाक थाक हो सज्जित हो रही थाए एभली थाक को ग्राना कहा जाए। तो स्ट्रोमा क्या कहा जाए क्लोरोप्लास्ट थिबा रस को कौन कहा जाए स्ट्रोमा बोली कहा जाए थाए। एथिरे विभिन्न प्रकार एंजाइम सत्वरक भासमान अवस्था रही थाए एथिरे थाइलकॉयड रही थाए बुझिपारे। स्ट्रोमा रे कौन रही थाए थाइलकॉयड रही थाए किंतु थाइलकॉयड जदि कौन होता है थाक थाक हो सज्जित हो रही थाए ताकु आमे कौन बोली कही था ग्राना बोली कही था बुझिपारे। स्ट्रोमा क्या कहा जाए ग्राना क्या कहा जाए स्ट्रोमा क्या कहा जाए क्लोरोप्लास्ट थिबा रस को कौन कहा जाए थाए स्ट्रोमा कहा जाए। थाइलकॉयड कौटी थाए स्ट्रोमा रे थाए किंतु स्ट्रोमा गुड़िक जदि थाक थाक हो सज्जित हो रहे ताकु आमे कौन बोली कहिबा ग्राना बोली कहिबा। ग्राना गुड़िक लंबाड़िया थाइलकॉयड द्वारा संयुक्त हो संयोजित हो रही था बुझिपारे। कि भाव में रही था परस्पर संयोजित हो रही था। साधारण देखा गले क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रस रे ग्राना और थाइलकॉयड रही था। तो आपण मैंने बुझिपारे जो क्लोरोप्लास्ट कौन थाए स्ट्रोमा थाए। तो ये स्ट्रोमा मध्य कौन रही थाए ग्राना रही थाए आउ थाइलकॉयड रही थाए। थाइलकॉयड जो कौन हुए परस्पर मध्य कौन हुए सज्जित हो रहे आम कौन बोली कही था ग्राना बोली कही था। एबे बुझिपारे मुझे भावुँ निश्चिंत भाव में बुझिपारे। जदि भी डाउट अच्छी तुम्हें मैंने कमेंट बक्स तुम डाउट को लिखतु। थाइलकॉयड प्रत्येक झिल्ली स्तर में क्लोरोफिल प्रोटीन लिपिड रो विभिन्न बृहत अणु सजे हो रही था। तो आम मैंने कौन बुझिले थाइलकॉयड कौन थाए क्लोरोफिल थाए प्रोटीन थाए आउ लिपिड थाए। तो ये आस देखु चित्र तो ये हूँ कौन ये हूँ आपण मानक स्ट्रोमा ये गोटे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मध्य कौन रही थाए
ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ରସ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଥାଇଲକ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଏପରି ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଥାଇଲକଏଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଥାଏ ତାକୁ ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ତ ଏହାକୁ ସବୁ ପାରେନକାଇନ କାଇମା ଟିସୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିଭଳି ଗଠନଯୁକ୍ତ ଥାଇଲକଏଡ଼ ଓ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟୋମାରସ ଆଲେକଶ୍ଳେଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି କ'ଣ, ଏହି ଗଠନଯୁକ୍ତ ଥାଇଲକଏଡ଼ ଆଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାରସ ଆଲେକଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରାନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଧାର ସଂସ୍ଥା କ'ଣ, ଆଧାର କ'ଣ, ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଓକେ। ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫେଡ୍ରିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ମ୍ୟାନ୍ 1905 ମସିହାରେ ବା 1905 ମସିହାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ଜଣାଇଥିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ମ୍ୟାନ୍ 1905 ମସିହାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ଦୁଇ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାପିତ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବ୍ଲାକ୍ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଓକେ। କେତେ ମସିହାରେ, 1905 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅନ୍ୟଟି ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ଲାକ୍ମ୍ୟାନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ବାହାର କରିଥିଲେ, 1905 ମସିହାରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବା ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳର ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ହୁଏ, ଜଳରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ। ଜଳରେ କ'ଣ ଥାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଜାରିତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ହୁଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଳରେ କ'ଣ ଥାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ହୁଏ, ଜାରିତ ହୁଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସଂକେତ କ'ଣ, CO2। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ। ସରଳ ଶର୍କରା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହେବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି। ଏହା 1931 ମସିହାରେ ଫନ୍ ନିଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଗଛ, ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଫନ୍ ନିଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ରବର୍ଟ ହିଲ୍ 1937 ମସିହାରେ ଉନ୍ନତମାନର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିକଳ୍ପନାଟିକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଫନ୍ ନିଲ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେ ସେ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଏ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ରବର୍ଟ ହିଲ୍ 1937 ମସିହାରେ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ତ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଓକେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ଏହା ପାଇଁ 6 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, 12 ଜଳ ଅଣୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର, 6 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, 12 ଜଳ ଅଣୁ।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित भाव आसिबो एवं एही समीकरण टी जो मध्ये देछि आपण मानको एग्जाम रे देखिबा को मिलि पारे तो आपण मानको ए समीकरण टी को मध्ये मन रखि परिबे। देखंतु एटी कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल 6टी माने रहिछि 6टी अणु रहिछि सेही भली भाबरे एटी वाटर रे मध्ये 12टी अणु रहिछि तो रासायनिक प्रतिक्रिया फल देखंतु एटी ग्लूकोज सृष्टि हला ग्लूकोज संकेत होछि C6H12O6 मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखंतु देन कोन हबो 6टी जल अणु सृष्टि हेबो एवं 6टी ऑक्सीजन अणु सृष्टि हेबो। एहा एक आलोक श्वसन प्रक्रिया रो उदाहरण अटे तो आपण मानको एग्जाम रे आलोक श्वसन प्रक्रिया कहा को कुआ जाय एवं तार समीकरण माध्यम रे बुझाई देखो जदि पढ़े तो आपण माने एही समीकरण टी को लिखिबे। तेबे एहा थिला आजर आपण मानको पई क्लास आजर क्लास आपण मानको किपर लागिला कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं हां आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब आ शेयर करबा को मध्य भूलंतु नै। आज एति पुणी देखा हेबो एक नुआ क्लास रे एवं नुआ टॉपिक सहित सेति पर्यंत थैंक यू बाय एंड टेक केयर।